श्लोक संख्या 2। अधश्चोर्धवं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषया प्रवालः अधश्चामूलान्यनु संततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। अधश्चोर्धवं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनु संततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। अर्थात इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे की तरफ फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो यहां पर भगवान अश्वत्थ वृक्ष की और भी ज्यादा व्याख्या दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इसकी शाखाएं चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। ये भी बता रहे हैं कि जो वृक्ष का नीचे का भाग है, वहां पर जीवों की विभिन्न योनियां हैं, जैसे कि मनुष्य है, पशु है और कुत्ते बिल्ली हैं, ये सब। और ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं, लेकिन जीवों की और भी ऊंची योनियां हैं, जैसे देव हैं, गंधर्व हैं, और भी बहुत ऊंची ऊंची योनियां हैं जो कि ऊपरी भाग में हैं। और इसी तरह से जिस तरह से एक आम वृक्ष को हम जल से सींचते हैं, इसी प्रकार से प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों द्वारा ये वृक्ष पोषित होता है। तीन गुणों का आधिक्य है यहाँ पर। और इस वृक्ष की जो टहनियां हैं वो इंद्रिय विषय हैं। आंख का विषय है देखना, कान का सुनना, नाक का सूंघना, ऐसे ऐसे ही जितने भी हमारी इंद्रियां हैं उनके जो विषय हैं वो समझ लीजिए इस वृक्ष की टहनियां हैं। और विभिन्न गुणों के विकास से ही हम इस प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं, ताकि हम उन इंद्रियों द्वारा अनेक अनेक इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। जैसे गुण होंगे वैसे इंद्रिय विषय होंगे। तमोगुणी होगा इंसान तो वो अश्लील चीजों को देखेगा, रजोगुणी होगा तो फिर वो भोग की वस्तुएं देखेगा कि हाँ मैं कैसे कैसे इन चीजों को प्राप्त करूं, कैसे टीवी मेरे पास हो, कैसे आलीशान गाड़ी मेरे पास हो, बंगला मेरे पास हो। सतोगुणी होगा तो फिर वो भगवान की तरफ मुड़ने का प्रयास करेगा, उनको देखेगा, भक्तों को देखना चाहेगा, और भी वो गरीबों की तरफ देखेगा कि उनका उद्धार कैसे हो। तो इंद्रियों के विषय हमारे प्रकृति के जो गुण हैं, जिसके अंदर कोई व्यक्ति रहता है, जिसको वो आत्मसात करता है, उस गुण के अनुसार इंद्रियों के विषय भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो विभिन्न टहनियां हैं ये इंद्रियों के विषय हैं, जैसे शब्द, रूप, स्पर्श आदि। तो इस प्रकार से ये जो उल्टा वृक्ष जिसके बारे में भगवान बता रहे हैं, अश्वत्थ वृक्ष, और इसमें भगवान अच्छी तरह से ये बता रहे हैं कि कैसे ये भौतिक जगत को दिखा रहा है, जो कि असल जगत, वास्तविक जगत का प्रतिबिंब है, क्योंकि वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, पर अन्य जड़ें जो हैं इसकी वो मृत्यु लोक में है। मृत्यु लोक में अन्य जड़ें फैली हुई हैं। तो कोई व्यक्ति अगर पुण्य कर्म का भोग करता है तो इस वृक्ष के ऊपरी भाग में चला जाता है, और पाप कर्म का भोग करता है तो फिर वो नीचे भाग में चला जाता है। इस तरह से वो बार बार अपने सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है, कभी वो ऊपर जाता है, कभी वो नीचे आता है। तो ये जो वृक्ष है उसी चीज को बता रहा है।